कितने मजे का बहुत ज्यादा सारा मिक्स करके तो अरे ऐसे तो नहीं ना होता नहीं ना फिर मिले तो हैं जो बाय दो के मुझे देने तो फर्क ही होगा सेम टू सेम नहीं मिलेगा वैसे इस कलर का अगर हिजाब ये अच्छा है अंकल व्हाइट है कलर क्रीम कम देखो अच्छी आ रही है ये भी अच्छी लग रही है किसमें आपने देखा फंस गया गाइस ये आगे करो नहीं हो रहा ये देखो ये भी सेम है हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग आई होप यू ऑल डूइंग वेल तो गाइज़ अभी ईद खत्म हो चुकी है और मैं ईद के बाद फिर बाज़ार आ चुकी हूँ तो आप लोग सोचते होंगे हर जगह पे व्लॉग बाज़ार के ईद से पहले ईद के बाद तो एक्चुअली मेरा चक्कर लगा है आज मुझे ज़रा ज़रूरी काम था कज़न के साथ आना था उसने अबाया लेना था और कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद के बाद बाज़ार कैसा फील होता है भाई ऊपर हैं भाई तो अभी हम लोग आए हैं अबाया शॉप पे जो कि मेन थिम्बल बाज़ार में है तो इधर से कज़न ने अबाया लेना था क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है कल से तो इस वजह से उसने फिर न्यू अबाया लेना था तो अभी यहाँ पे इनके पास अभी ईद से पहले वाली ही कलेक्शन पड़ी है कुछ न्यू तो नहीं आया लेकिन वो कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी सारे यहाँ पर मुझे कलरफुल अबाया नज़र आए हैं ज़्यादा ब्लैक जो थे वो कम कम थे ठीक है सेल्डम विजिबल वाला सीन था लेकिन जो कलरफुल थे वो बड़े ही एलिगेंट और चार्मिंग अबायस ग्रेसफुल लग रहे थे जो समर कलर है आजकल उसमें पिस्टैशियो कलर लाइट पिंक कलर ये कलर बहुत ज़्यादा इन है और इनकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज भी इनकी काफ़ी रीज़नेबल थी स्टार्टिंग प्राइस इनकी 2000 थी A few moments later. अबाया तो हमें मिल चुका है लेकिन अभी हम लोग ज़रा एक जो नकाब होता है अबाया के आगे वो आजकल काफ़ी चीज़ें ट्रेंड में हैं तो मेरी कज़न ने कहा कि मैं चलो वो लेना मैंने ना तो वो हमें पूरे बाज़ार में नहीं मिला तो अभी हम लोग मोती बाज़ार जा रहे हैं तो रस्ते में मैंने कहा चले मैं आपको ना साथ साथ बाज़ार दिखाऊँ कि बाज़ार कितना सुनसान नज़र आ रहा है कोई इक्का दुक्का बंदे थे जिनको कोई काम था या जिनकी शादियां थी ईद के फ़ौरन बाद उसके अलावा कोई भी बाज़ार में ज़्यादा लोग नहीं थे तो यहां से अब हम मोती बाज़ार में आए हैं इनसे पता करते हैं कि यहाँ से हमें मिलती है नकाब या फिर नहीं तो यहाँ पर भी एक शॉप थी अबाया वाली वहाँ पर भी अबायास काफ़ी अच्छे लगे हुए थे ये आप देख सकते हैं वैसे इस कलर का अगर हिजाब ये अच्छा है अंकल वाइट है कलर अच्छा स्कार्फ नाउ वी हैव रीच्ड एट पर्स शॉप तो अभी हम लोगों ने क्योंकि एक बैग भी परचेज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की दुकान है यहाँ पे थिम्बल बाज़ार में हान बैग स्टोर यहाँ पे आपको छोटे से क्लच से लेके ना बड़े से टैची केस तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं ये यहाँ से मुझे एक बैग बड़ा पसंद आया था पर इसकी जो प्राइस थी ना वो 1300 थी हर बार्गेनिंग कर कुर के थोड़ा बहुत करके कि मैंने इसको थोड़ा सा कम करवाया लेकिन वो बाय नहीं था माना फिर भी मैंने इसको करवा के ना 800 तक परचेज़ कर दिया था तो बाकी इनके पास वॉलेट भी हैं पर्स भी हैं हर तरह के बैग हैं मुझे तो ये शॉप बड़ी अच्छी लगी है और ये सारे ब्राइडल वेयर आप देख सकते हैं ब्राइडल कैरी करते हैं ये आज का जो पाउच वाला डिज़ाइन है ये बहुत इन है और बाकी भी ये ब्राइडल के लिए बड़े ज़बरदस्त इनके पास बैग मिल जाते हैं आपको और बहुत रीज़नेबल प्राइस में सो गाइस बैग डन और उसके बाद अबाया भी डन उसके बाद बारी आती है कुछ ज्वेलरी की लड़कियां बाज़ार में आई हों कुछ ज्वेलरी ना लें कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ ना लें जो प्री प्लान ना भी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो भी हम लोग एक बहुत अच्छी शॉप पे आए हैं कटरा बाज़ार में और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने परचेज़ करनी है छोटी मोटी सी चीज़ें ये रिंग्स वगैरह
तो इस पूरी शॉप का ना मैं आपको विज़िट भी कराऊंगी जल्द ही अपने कमिंग व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत अच्छी यहाँ से ब्राइडल ज्वेलरी आपको मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल और चीप प्राइस में। इंशाल्लाह वेरी सून मैं इस पूरी शॉप का विज़िट विद प्राइस आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी एक आउटलुक आप देख लें यहाँ पे कि देखा अच्छी आ रही है, ये देखिए है ना, कौन ने जब भी पहना था ठीक ही लगता है। कौन सी ट्राई कर रही है, इतनी सारी सारी ट्राई मारते हैं, ट्राई ड्रिंक्स है। ये भी अच्छी लग रही है ना, किसमें आपने देखी ना मसाले नहीं रेड प्यारी लग रही है, मैंने सोनी लग रही है वैसे कलर प्यारे ऐसे बात करनी ऐसे हंस गया गाइस। ये आगे करो आगे करो, नहीं हो रहा, ये देखो ये भी सेम है। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा वो जो लोकल बाज़ार है तिम्बल बाज़ार और कटरा बाज़ार, और यहाँ पे ना ये सेल लगी हुई थी जूतियों की, और यहाँ पे आपके पास ओपन भी थी और कोर्ट शूज़ टाइप ये साइड लगी हुई थी, क्लियरेंस सेल थी इनकी शायद। तो ये आप देख लें, ये 700 रुपये में आपको एक पेयर मिल रहा था। क्वालिटी अगर इनकी बताऊँ तो आप इनको 2 से 3 माह यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद ये नहीं यूज़ होंगी, मे बी ज़्यादा भी यूज़ हो जाए, लेकिन ये इतनी ही थी जी। तो गाइज़ अभी हम लोग हैप्पीज पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं, तो आ गए हमारे लोडेड फ्राइज़। आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं, पूरे एक मंथ बाद मैं लोडेड फ्राइज़ खाने लगी हूँ, और बस हमारी शॉपिंग डन हो गई है, तो मैंने सोचा भूख भी लग रही थी तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कुछ खा लेते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और मेरे चैनल को 150 प्यार दें, सब्सक्राइब करें।